सबसे पहले हमें बात करना है एक टॉपिक पर, वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, अंडर द परव्यू ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 नंबर ऑफ प्रोविजंस आर मेंशन। अच्छा, ध्यान देंगे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोग कुछ अथॉरिटी को शामिल करते हैं। पहले तो आपको यह समझना कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब सिंपल भाषा में गवर्नमेंट होता है। अच्छा, ऑल दो इन अवर कंट्री वी आर फाइंडिंग टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, वन इज पॉलिटिकल, अदर वन परमानेंट। आप जिस एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, लाइक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस, सिविल पोस्ट, दे ऑल आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एंड देन वी आर हैविंग द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अच्छा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड सो फोर्थ। सो अंडर द परव्यू ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव वी आर इंक्लूडिंग सो मेनी अथॉरिटीज, एंड वन ऑफ द अथॉरिटीज कॉल्ड इज व्हाट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नथिंग बट एग्जीक्यूटिव इनकमबेंट और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अच्छा, दूसरा, द सेकंड इंपॉर्टेंट अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इज कॉल्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, देन वी हैव वन मोर अथॉरिटी कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वी विल डिस्कस ऑन ऑफ कोर्स द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद प्राइम मिनिस्टर, एंड देन वी हैव ऑफ कोर्स वन मोर अथॉरिटी अंडर एग्जीक्यूटिव कॉल्ड एज व्हाट, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, द चीफ लीगल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ऑल टुगेदर दीज अथॉरिटीज आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। मतलब यदि हमें एग्जीक्यूटिव को पढ़ना है, जो कि हमें पढ़ना है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि परमानेंट तो आप लोग गवर्नेंस में पढ़ोगे आगे जाके, लेकिन अगर हमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को पढ़ना है, देन वी हैव टू फोकस मेनली ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, एंड सो एंड सो फोर्थ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड विच वन, अटॉर्नी जनरल। इनको हम लोग बोलते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। मैं आपको फिर बता दूं, द पावर अथॉरिटी फंक्शनिंग ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव इज मेंशन फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78। इनके बीच में एग्जीक्यूटिव का प्रोविजन दिया हुआ है, और हमारा सबसे पहला एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो होगा कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। अच्छा, हमारे देश में एक प्रिंसिपल, पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है। पता है आप लोगों को क्या होती है, कोई बताएगा जरा फटाफट? द इवोल्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, आई मीन गवर्नमेंट, वुड टेक प्लेस फ्रॉम लेजिस्लेचर, एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, एंड देर आर टू हेड इन द कंट्री, वन इज हेड ऑफ स्टेट, अदर वन हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ये डी फैक्टो हेड है प्राइम मिनिस्टर, डी जो हेड है प्रेसिडेंट, सेरिमोनियल हेड है, ऑर्नामेंटल हेड है प्रेसिडेंट, ठीक है, एक्चुअल हेड है कौन, प्राइम मिनिस्टर। रियल पावर्स लाइज ऑफ कोर्स इन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले तो ये बड़ी क्लियर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट आप लोगों को पता है। दूसरा, अच्छा, हमारे देश में बल्कि हर एक देश में एक प्रिंसिपल होता है जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे, दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज व्हाट, सेपरेशन ऑफ पावर। सो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। उससे पहले हम लोग बता दूं आपको कि अगर हम इंडियन प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, देन वी हैव टू टेक द रिगार्ड ऑफ दोस प्रेसिडेंट विच आर वर्किंग इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक वी शैल टेक द रिगार्ड ऑफ द प्रोविजन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑल्सो, फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑल्सो, और एक दो प्रेसिडेंट जो आपको ठीक लगे उनको भी उठा लेना, चाइनीज को छोड़ देना, क्योंकि चाइनीज का समझ में नहीं आता मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। खैर, पर ऑफ कोर्स वी शैल टेक द डू द कंपैरेटिव स्टडी बेसिकली ऑफ टू प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो। तो आपको अच्छा कोलैबोरेशन हो जाएगा कि बेसिकली अगर क्वेश्चन किसी भी तरह का आता है इंटरडिसिप्लिनरी, देन वी आर इन अ पोजीशन टू सॉल्व द क्वेश्चन इन पीटी एंड मेंस, बोल सकता कॉम्बिनेशन। खैर, यहां पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि एक प्रिंसिपल है हमारे देश में जो कि हर एक देश में होता है, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का सिंपल मतलब होता है, ये मॉन्टेस्क्यू का प्रिंसिपल था, फ्रेंच एक स्कॉलर थे, उनका प्रिंसिपल ये था कि बेसिकली वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। फटाफट मैं बता रहा हूं क्योंकि शायद आप लोग पढ़ चुके हो, बट व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी वेरी श्योर, नॉर्मली ये बोला जाता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर हो वो वॉटर टाइट होना चाहिए। लेजिस्लेचर लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करे, जुडिशरी उसको रिव्यू करे। लेकिन व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वी आर एक्चुअली ऑपरेशनलाइजिंग द फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और द फ्लेक्सिबल मोड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाई? बिकॉज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन बी वेरी श्योर, अवर एग्जीक्यूटिव, आई मीन अवर गवर्नमेंट इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू फॉर्मुलेट लॉ। हमारे देश में केवल लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाती, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है। और अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करता हूं तो इसमें प्रेसिडेंट से लेकर अटॉर्नी जनरल सब आते हैं। तो एक्चुअली वी आर प्रैक्टिसिंग और वी आर ऑपरेशनलाइजिंग अ फ्लेक्सिबल मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इन विच द कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ पावर हैड नॉट टेकन प्लेस बिटवीन टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज लेजिस्लेचर, अदर वन एग्जीक्यूटिव। एंड इन अवर कंट्री एग्जीक्यूटिव इज केयरफुली, प्रूडेंटली, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लॉ फॉर्मुलेशन फंक्शन।
हमारे देश में एग्जीक्यूटिव भी लॉ बनाती है, पर उस कंसेप्ट पर आने से पहले मैं एक नेचर क्लियर करवाना चाहता हूं आपको कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि लॉ का मतलब क्या है। लॉ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ लॉ, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इज नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी फंक्शन, ओमिशन, कमीशन, डेलिब्रेशन डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय द स्टेट, स्टेट मींस आर्टिकल 12, इज डन बाय फॉर्मुलेटिंग लॉ। हम सारे काम लॉ पास करके ही करते हैं, पर सवाल यहां पर यह उठता है कि लॉ का मतलब क्या। पहले सिस्टम समझना जरूरी है आप लोगों को। कोई मुझे बताया क्या, व्हाट डू मीन बाय लॉ? कानून, विधि, अधिनियम। अच्छा, पहले मुझे बताओ कि लॉ बैकग्राउंड किसका है? और कोई, किसी का लॉ बैकग्राउंड नहीं है? हाँ, अब आए और याद करो धीरे धीरे। वेरी गुड। हाँ, अच्छा, धीरे धीरे याद आ रहा है कि हमने भी कोई पढ़ा था लॉ। चलो, हाँ जी, और कोई नहीं, बस तीन लोग पक्का। चलिए, तो व्हाट डू मीन बाय लॉ? चलो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, गिव मी द मोस्ट प्रिसाइज एंड एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ किसे बोला जाएगा? कानून। जी, एनीथिंग विच हैज अ पनिशमेंट अटैच टू इट। ये पनिशमेंट कहां से आ गया लॉ में? हर एक लॉ पैरालाइज वाला लॉ थोड़ी होता है, कभी कभी लॉ रिफर्मेटरी भी होता है, रेमेडियल भी होता है। अगर पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस मतलब सजा। एंड व्हेन द सेंटेंस बिकम ऑपरेशनलाइज इट इज कॉल्ड एज पनिशमेंट। ठीक है, तो पनिशमेंट एक बड़ा ही लीगल टर्म होता है। हम लोग नॉर्मली उसको पनिशमेंट को मीडिया में मतलब नॉर्मली यूज करते हैं कि पनिश कर दिया। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, अगर मान लो कोर्ट ने सजा दी है तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। एंड व्हेन द सेंटेंस बिकम ऑपरेशनलाइज ऑपरेटिव इट इज कॉल्ड एज पनिशमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक टर्म जो आप यूज कर रहे हो बड़ा केयरफुली यूज करिए, क्योंकि सबका एक मतलब है। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि हर एक जो डिसिप्लिन होता है उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। ज्योग्राफी की अलग लैंग्वेज थी, वो हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है, लेकिन पॉलिटी की बिल्कुल अलग लैंग्वेज है। इसमें कोई भी नॉर्मल टर्म आप ना तो यूज करोगे ना तो लिखोगे, क्योंकि हियर वी आर डीलिंग विद अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड वी आर कंसर्निंग लॉ ऑल्सो। सो माय क्वेश्चन ओवर हियर इज कि व्हाट डू मीन बाय लॉ एंड व्हाट कुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लॉ, या लेजिस्लेशन, या कानून, या अधिनियम, जो भी आप कहना चाहते हो। लॉ का मतलब क्या? एनीवन? जी, चलो एक सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं। सेट ऑफ रूल्स है या रेगुलेशंस हैं विच आर रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ एवरी सिस्टम, एवरी इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री एंड व्हाट ऑफ द केस में विच कॉल्ड एज लॉ, सिंपल भाषा में। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि विद इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वेदर वी हैव डिफाइंड लॉ और नॉट। क्या हमने लॉ की कोई डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी है? इज देयर एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एबल टू डिफाइन लॉ? मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो आर्टिकल आप लोग पढ़ चुके हो, आर्टिकल 13। सो विद इन आर्टिकल 13 वी आर फाइंडिंग सो मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉस। ठीक है, हाँ जी। नहीं, वो तो लॉ का इंपैक्ट वो बता रहे हैं। जैसे मैं आर्टिकल 13 को क्लियर कर दूं, इन आर्टिकल 13 इट इज क्लियरली प्रोवाइडेड दैट एनी लॉ दैट एबल टू एनक्रोच और ऑफ कोर्स सबोटाज फंडामेंटल राइट, दैट लॉ कुड बी रिव्यूड बाय द कोर्ट और जुडिशरी। पर यहां पर वी आर टेकिंग द रिगार्ड ऑफ द इंपैक्ट ऑफ लॉ, कि अगर आप फंडामेंटल राइट को एनक्रोच करोगे, कोई लॉ एनक्रोच करेगा, तो ऑफकोर्स वी कैन रिव्यू द लॉ एंड ऑफकोर्स वी कैन हेल्प द लॉ इज नल एंड वॉइड। उसके बाद आर्टिकल 13 ये बात करता है कि देर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉस, लाइक एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, बायलॉस, नोटिफिकेशन, दे आर द कैटेगरीज ऑफ लॉस। बट माई क्वेश्चन ओवर हियर इज कि व्हाट वेदर वी हैव गिवन एनी प्रिसाइज एंड मोस्ट प्रूडेंट डेफिनेशन ऑफ लॉ और नॉट। मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। अच्छा, नॉर्मली आर्टिकल 13 में हम लोग कैटेगरी को ही डेफिनेशन मान सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि देर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉस। लॉ के बहुत सारे टाइप तो पता है आर्टिकल 13 में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लॉ। एनीवन? मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। जी, लॉ तो समझते हैं, विधि, कानून, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसा बोला जाता है इट इज द मोस्ट लॉफ्टीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, या वन ऑफ द मोस्ट लॉफ्टीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लॉफ्टीएस्ट मतलब लंबा चौड़ा जो भी कुछ है, ठीक है। बट अगेन देर आर सो मेनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बी वेरी श्योर, विच आर नॉट डिफाइंड बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑल दीज प्रोविजन विच आर नॉट डिफाइंड बाय द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन लेफ्ट टू द लॉ ऑफ सिचुएशन और टू द लॉ ऑफ सर्कमस्टेंसेस।
मतलब जब सिचुएशन आएगी यदा कदा सर्वदा भविष्य में, तब जाकर हम लोग किसी प्रोविजन को या एक्सप्रेशन को डिफाइन कर देंगे। अभी फिलहाल हम उस एक्सप्रेशन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भले ही बोला जाता है कि हमने सब कुछ लिख दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल नंबर ऑफ नेमा, ठीक है, जितने भी आर्टिकल है 395 435, जो भी कुछ है, हमने सब कुछ लिख दिया। पर ऐसा नहीं है, देयर आर सो मेनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आर नॉट डिफाइंड बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वन ऑफ द प्रोविजन वुड बी लॉ। मतलब हमने लॉ की डेफिनेशन एक्चुअली दी नहीं है, और मैं आपको बताता चलूंगा कि देयर आर सो मेनी प्रोविजन व्हिच आर नॉट डिफाइंड बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेलिबरेटली, जानबूझकर, एंड वन ऑफ द प्रोविजन इज लॉ। तो एक्चुअली अगर हम डेफिनेशन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें यह नहीं पता है कि व्हाट द लॉ इज ऑल अबाउट।